इधर पलामू में हो रहे एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला होमगार्ड की बहाली को लेकर है, जहां पर आपको बता दें पलामू में जिला प्रशासन द्वारा ली जा रही होमगार्ड की बहाली में मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर आरोप है कि DIO ऑफिस के पदाधिकारी और बहाली टीम पैसे लेकर बहाली कर रही है। इस बाबत अभ्यर्थियों ने उपायुक्त को आवेदन देकर बहाली की जांच की मांग की है। उनका यह भी आरोप है कि मोटी रकम लेकर बहाली में कई अयोग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दे रहे हैं। मेरा ब्लॉक का क्या लगता है, नंबर में छेड़छाड़? हाँ, मेरा 100 भर्ती में नंबर में मेरा नंबर कम किया गया है, और जो पैसा वैसा दिया है गड़बड़ी उसका हो गया है, मेरा से कम नंबर में हो गया है, और हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर जब 9 नंबर हुआ है तो मेरा 8 क्यों दिखा रहा है? जम 16 फीट लॉन्ग जम्प किए हैं, 4.5 फीट हाई जम्प किए हैं, और यहाँ पूछ रहा है ऑफिस में तो बोल रहे हैं कि 4.25 किए हो तुम। कितने कैसे लोग, कितने लोग हैं कैंडिडेट? कैंडिडेट हम लोग हैं 22 लोग, बहुत सारा 40 को कैंडिडेट थे। अभी हम चला गया सब, कोई ड्राफ्ट बनाए हैं अपना, कल हाई कोर्ट में केस करेंगे हम। तो प्रभुदयाल हमारे साथ फोन लाइन पर पलामू से जुड़े हुए हैं। प्रभुदयाल, देखिए खबर आई है पलामू से, जहां पर होमगार्ड की बहाली में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताने चले कि जो पलामू में सैकड़ों छात्र जो है अभी होमगार्ड की बहाली हुई थी, इसको लेकर जो है विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जो भी बहाली हुई है उसमें धांधली हुई है। धांधली जो धांधली का पैमाना है कि जो भी मेरिट लिस्ट जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें छेड़छाड़ किया गया है, ये आरोप जो है यहाँ के जो है अभ्यर्थी जो है लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी छेड़छाड़ हुआ है वो DIG ऑफिस के पदाधिकारियों के द्वारा मिली भगत के से हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा जो हम 100% जो भी बहाली में हुआ था 100% दिए थे, जिसके बाद भी जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया था। और छात्रों का कहना है कि जो भी जिनका भी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है वो जो है उनके द्वारा जो है कभी जो है बहाली में जो है पास नहीं हो सकते। जी जी जिस तरीके से अभ्यर्थी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं DIO ऑफिस के पदाधिकारी और कर्मियों पर, तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है फिलहाल? फिलहाल जो है अभ्यर्थी जो है DC पलामू को जो है आवेदन देने की बात कह रहे हैं, जिसमें जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोटी जो भी आयोग है बहाली में कई आयोग अभ्यर्थी हैं, उनका मेरिट लिस्ट जो है फिर से जांचा जाए, और इस दौरान जो है सभी का जो है मेरिट लिस्ट जारी कर जो है बहाली में शामिल किया जाए। और अगर अगर ये नहीं होता है, अभ्यर्थी को अगर अभी तक जो है मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाता है, वो हाईकोर्ट भी जा सकते हैं। जी जी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।